We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी में आयोजित एक दिवसीय लघु रोजगार मेले के दौरान 2500 बेरोजगार युवाओं में से 500 बेरोजगार युवाओं को ही नौकरी मिल पाई है। रोजगार मेले के दौरान देश और प्रदेश की विभिन्न नामी कंपनियां 1500 पदों को भरने के लिए यहां आई हुई थी। इन पदों के लिए 2500 के करीब बेरोजगार मेले में पहुंचे, लेकिन मात्र 500 लोगों को ही नौकरी का अवसर मिल पाया, जबकि बाकी लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से इस मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 2500 के करीब लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया। सैलरी की बात करूं तो सैलरी जैसे कि इसमें हमारे पास विभिन्न तरह की पोस्ट थी, जैसे अनस्किल्ड वर्कर से लेके स्किल्ड एंड प्रोफेशनल कोर्सेज तक की हमारे पास इसमें प्रोफाइल्स थी। 8वीं से लेके MBA MCA तक की इसमें जॉब प्रोफाइल्स थी, जिसमें कि लोग प्लेस हुए हैं। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं और सैलरी की बात करूं तो मिनिमम 10,500 से लेकर आज 48,000 के पैकेज तक जो है हमारे पास बच्चे आज प्लेस हुए हैं। और इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर आने वाली पार्टिसिपेशन की बात करती हूँ, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2500 के लगभग जो है हमारे पास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 1500 हमारे पास वैकेंसीज थी, सारी वैकेंसीज तो फुलफ़िल नहीं हो पाई, लेकिन हमने कोशिश की है लगभग 500 के आसपास जो है हमारे पास प्लेसमेंट्स आज हुई हैं यहाँ पर। मैं अक्षय कुमार, जिला रोजगार अधिकारी मंडी। आज मिनी जॉब फेयर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार का ये है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। और हमारे लेबर कमिश्नर श्री रोहित जमाल जी ने इसके लिए स्पेशल हमें ये डायरेक्शन दी थी कि जितना ज़्यादा रोज़गार आप दे सकें उसके लिए प्रयास किया जाए। तो आज रोज़गार मेले का आयोजन किया गया, उसमें 2500 के करीब करीब आवेदकों ने भाग लिया और 500 के करीब लोगों की जो है प्लेसमेंट आज हुई है। आज 15 से लेकर 17 कंपनियों ने भाग लिया और उसमें जो है जैसे मैट्रिक, प्लस टू, ग्रेजुएशन, MBA और साथ में जो है मैकेनिकल डिग्री होल्डर के भी इंटरव्यू लिए गए। और जो हमारा जो आज का जो इवेंट था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। और इसमें मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा CDAC की टीम का, जो कि शिमला से आए हुए और यहाँ के जो इंस्टीट्यूट वाले थे, उन्होंने इस जॉब फेयर को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।